नागपुर के भिड़े लेआउट क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ नगर में एक महावितरण कर्मचारी पर कल हमला किया गया। बिजली बिल बकाया होने से परिवार का बिजली कनेक्शन काटने गए कर्मचारी के राम पर उस परिवार ने हमला कर उसे घायल किया, जिसके चलते आज बिजली कर्मचारियों द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय काटोल रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली कर्मचारियों का सीधा संपर्क ग्राहक से होता है, इसलिए ग्राहक के गुस्से का सामना बिजली कर्मचारियों को करना पड़ता है। ऊर्जा मंत्री के गलत फैसले का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान बिजली की खपत बढ़ने पर भी बिल का आवंटन नहीं हुआ। एक बार ज्यादा बिल आने से नागरिकों में गुस्सा है, इसलिए कर्मचारी कार्रवाई पर जाते हैं तो लोगों के गुस्से का सामना कर्मचारियों को करना पड़ता है। हमेशा कर्मचारी सिर्फ मांग के लिए खड़ा नहीं होता है और आज हम कोई मांग करने के लिए खड़े नहीं है, यानी कामगारों के लिए कुछ ऐसा स्पेशल कुछ मांगने के लिए नहीं खड़े हुए। कल जो हमारा कर्मचारी है केराम, उस पर जो हल्ला हुआ और वो हल्ले में उसकी जान तो बच गई है, लेकिन ये सिर्फ उस पर ही नहीं हुआ। गत 2-3 माह से ये पूरे महाराष्ट्र में ये घटनाएँ घटती जा रही है। हम अब संगठन करके सीरियसली ये हमने लिया है, ये इशू हम अभी ले रहे हैं और आगे हम हमारे कामगारों को भी बताना चाहते हैं और बताने वाले हैं कि इसके बाद हमारे कामगारों के जो वर्किंग आवर्स है, चाहे वो तांत्रिक हो अतांत्रिक हो, वो अपने वर्किंग आवर्स में ही काम करेगा। कोई छुट्टी के दिन जाएगा नहीं और छुट्टी के दिन कोई काम करेगा नहीं। कौन अधिकारी कौन सी एक्शन लेता है, वो पूरी जो संगठन है संयुक्त कृति समिति है, वो इसके बाद अभी प्रशासन से दो हाथ करने के लिए हम खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत हो गया है कि ये कंपनी का प्रोग्रेस होना चाहिए, कंपनी के पास पैसा आना चाहिए, ये सब बातें हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि कंपनी अगर प्रोग्रेस होगा तो ही हमारे कामगारों का प्रोग्रेस होगा, उसकी सैलरी प्राप्त होगी ये, लेकिन जो काम करने का रवैया और ढंग है, ये प्रशासन जिस ढंग से काम करवा ले रही है हमारे कामगारों के हाथों, ये बहुत गलत तरीके से ले रही है। इसलिए कर्मचारियों की सुरक्षा का मामला सामने आया है और सुरक्षा के उपाय करने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने सुरक्षा के उपाय करने की मांग की और मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।